अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज फिर से हम उर्दू नज़में हिस्सा दोम की रीडिंग करेंगे, पढ़ेंगे और पोइम को सीखेंगे जी। तो आज जो हमारी पोइम है वो है बतख। ये सफा नंबर 2 पर मौजूद है जी। क्या आपको ये मोटी सी बतख नजर आ रही है? देखे तो ये झील के किनारे रहती है और देखिए यहाँ पर तो झाड़ियां भी बनी हुई हैं जी, और पहाड़ भी देखें। और पानी तो देखिए कितना गहरा है जी, और देखिए बत्तख इसमें नहा रही है जी, और गोते भी लगा रही है। जी तो ये एक बत्तख है। चले अब हम पोएम की जानब बढ़ते हैं। आज की हमारी नज़म बत्तख है, तो आपने बड़े गौर से सुननी है जी। एक बत्तख थी मोटी सी, एक बत्तख थी मोटी सी, झील किनारे रहती थी, झील किनारे रहती थी, झील किनारे झाड़ी थी, झील किनारे झाड़ी थी, साथ ही एक पहाड़ी थी, साथ ही एक पहाड़ी थी, झील का पानी गहरा था, झील का पानी गहरा था, झील का पानी गहरा था, एक ही जगह ठहरा था, एक ही जगह ठहरा था, बत्तख रोज नहाती थी, बत्तख रोज नहाती थी, झील में गोते खाती थी, झील में गोते खाती थी। तो प्यारे बच्चों अब आपने मेरे पीछे पीछे पढ़ना है जी। एक बत्तख थी मोटी सी, झील किनारे रहती थी, झील किनारे झाड़ी थी, साथ ही एक पहाड़ी थी, झील का पानी गहरा था, एक ही जगह ठहरा था, बत्तख रोज नहाती थी, झील में गोते खाती थी। चलें प्यारे बच्चों अब आप मेरे साथ मिलकर इस पोएम को पढ़िए। एक बत्तख थी मोटी सी, झील किनारे रहती थी, झील किनारे झाड़ी थी, साथ ही एक पहाड़ी थी, झील का पानी गहरा था, एक ही जगह ठहरा था, बत्तख रोज नहाती थी, झील में गोते खाती थी। भाई आज की नज़म बत्तख पढ़ने में मुझे तो बहुत ही मजा आया है जी, और मुझे यकीन है आप अपने वालिदैन के हमरा नज़म बत्तख सफ़ा नंबर 2 पर मौजूद इसको पढ़ेंगे और खूब मजे लेंगे। ओके अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें, ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।